Music क्या बात है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, जो भी स्टार्टिंग में बोल बम स्टेटस वीडियो देखें, उस प्रकार का स्टेटस वीडियो आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहे, और चैनल नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में पिन किया हुआ मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ में प्लस का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, उसके बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सॉन्ग बिटमार्क और टेक लेक्स और सेक इफेक्ट, इन तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से इनपुट कर लेना अलाइट मोशन में। अगर इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम था तो कॉमेंट में ज़रूर मैसेज करना। तो सबसे फर्स्ट में सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर बीट दिया हुआ है, तो इन सब बीट में फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ में प्लस के ऑप्शन में यहाँ के ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना और यहाँ से फोटो को ऐड कर लेना है, जिस फोटो को भी बनाना है। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर के साथ में 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से फोटो को फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर तीर के निशान में क्लिक करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, और फिर प्लस ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर मीडिया में क्लिक करना और फिर यहाँ से अगला फोटो को ले लेना है। फोटो को लेने के बाद फिर 3 डॉट का ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना और फिर फोटो को यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद फिर तीर के निशान में क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ऑल बीट में फोटो को ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, हम ऑल बीट में फोटो को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम ऑल बीट में फोटो को ऐड कर चुके हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से ऑल बीट में फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है और फिर शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। तो नंबर 1 इफेक्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए फिर फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में क्लिक करना, फिर 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और फिर सॉन्ग बिटमार्क ओपन करना है और यहाँ पर नंबर 1 इफेक्ट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में क्लिक करना, फिर 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, जहाँ नंबर 1 फोटो लगा है वहाँ नंबर 1 इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और फिर शेक इफेक्ट को ओपन करना है और फिर नंबर 2 इफेक्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए फिर फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में क्लिक करना, फिर बाएं साइड में 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, फिर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना और फिर सॉन्ग बिटमार्क ओपन करना है और फिर नंबर 2 फोटो में आ जाना है। उसके बाद फोटो में क्लिक करना है, फिर इफेक्ट में क्लिक करना, फिर 3 डॉट को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट बैक कर देना है। तो दोस्तों, जहाँ नंबर 2 फोटो लगा है वहाँ नंबर 2 इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और फिर टेक्स्ट लाइन्स को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, हम टेक्स्ट लाइन्स पहले से लिख कर रख चुके हैं, तो इन सब लाइन्स को कॉपी करना। तो कॉपी करने के लिए प्लस क्वेश्चन में क्लिक करना और सबसे पहले में सेलेक्ट ऑल लाइन्स को कर देना है। उसके बाद फिर प्लस क्वेश्चन में क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी 44 लाइन्स को कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और फिर सॉन्ग बिटमार्क ओपन करना है और फिर यहाँ पर प्लस क्वेश्चन में क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट 44 लाइन्स को कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो को इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो बनाने कोई प्रॉब्लम होता तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज करना। थैंक यू सो मच।